Hello everyone, welcome in online e-learning platform of Agriculture and GK. So, आज के session में हम आपसे discuss करेंगे that is foodborne pathogens के बारे में. Okay, so आज हम पढ़ेंगे what are your foodborne pathogens, उन सब के बारे में आज के session में हम discuss करेंगे. Alright. So, अगर आप हमारे जो भी हमारा FCI का complete course है उसको अगर avail करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उस course को, तो यहाँ पर आपको जो भी पूरा material है, चाहे वो आपकी e-books हो या आपके test series या आपके old papers हो, सब provide किया जा रहा है, तो आप जो है इस course को ले सकते हैं. ठीक है, इस course के जो भी बाकी details होंगे आपको contact number दिया हुआ है, आप वहाँ से contact करके पूछ सकते हैं. Okay, let's start with our first slide. That is foodborne diseases. Okay, so here the first question is that कि what is foodborne, right? Foodborne diseases कौन सी होती हैं? Okay, so first of all सबसे पहले जो point आता है कि आपका foodborne diseases होती क्या हैं? Like the foodborne diseases are generally caused by consuming contaminated food or beverages. ठीक है, यानी कोई भी अगर आपने contaminated food, यानी ऐसा food खा लिया है जो क्या है, contaminated है. Contaminated in the sense उसमें already क्या है, pathogens present हैं. अगर हमने उस food को consume कर लिया है जो आपका contaminated है, तो उससे आपको क्या हो सकती है, foodborne disease हो सकती है. ठीक है, अब आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ food, यानी अगर आपने सिर्फ जो food है, अगर आपने वो food खा लिया तो आपको disease हो जाएगी. इट मीन्स अगर आपने कोई भी बीवरेजेस, बीवरेजेस मतलब होता है आपके कोई भी जूस हो गया या लिक्विड वाला जो मटेरियल हो गया बेसिकली, ठीक है, उनको अगर आपने कंज्यूम किया और वो अगर कंटामिनेटेड है, तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है. ठीक है, नाउ मैनी डिफरेंट डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स और पैथोजेंस कैन कंटामिनेट फूड. ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, आपके फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं. ठीक है, वो चाहे आपका क्या हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक ही माइक्रोब है जो आपके क्या करेगा, आपके फूड को कंटामिनेट करेगा. बहुत सारे ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो कि आपके फूड को कंटामिनेट करते हैं. ठीक है, और आपको फूड बॉर्न इन्फेक्शन कॉज करते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें, यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स एज अ रेफरेंस ऑन अ फूड बॉर्न बैक्टीरियल एंड नॉन बैक्टीरियल एजेंट दैट कैन पोटेंशियली रिजल्ट इन अ फूड कंटामिनेशन, राइट? ये यही कह रहा है कि जो भी आपके, मतलब आपका फूड बॉर्न कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, यानी आपका वो, आपका जो भी आपके फूड को क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, वो आपका बैक्टीरियल एजेंट भी हो सकता है. ठीक है, बैक्टीरियल से बिलोंग कर सकता है, आपका नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है, राइट? सो ये डिपेंड करता है कि वो जो आपका फूड है उसको कौन सा जो आपका पैथोजन है वो कंटामिनेट कर रहा है. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, यानी फूड के अंदर कौन कौन से जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. हियर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मोस्ट कॉमन टू द फूड आर बैक्टीरिया एंड फंगी. अगर हम देखें जो सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में, वो आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है, नाउ द फंगाई विच आर लेस कॉमन देन बैक्टीरिया, यानी सबसे अगर देखा जाए बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो फंगाई है वो लेस कॉमन होती है, कम आती है. दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड एंड ईस्ट. ठीक है, इसमें क्या आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड और ईस्ट आते हैं. ना अ पार्ट ऑफ दीज फूड में कंटेन वायरसेस. ठीक है, यानी अगर हम इनको अलग हटा दें तो उसके अलावा, यानी आपके बैक्टीरिया फंगई तो करते ही हैं, अगर उनको छोड़ दें तो आपके जो वायरसेस हैं या फिर कोई आपके पैरासाइट हो गए, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सब भी क्या करते हैं, आपके फूड को क्या करते हैं, आपके फूड में जो है ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरिया. अब देखो बैक्टीरिया क्या होता है, जनरली आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं, जरा होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, सिंगल्ड सेल, यानी उसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल होती है. ठीक है, तो यूनिसेलुलर होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है दैट आर अप्रॉक्सीमेटली, जो उसका अगर आप देखोगे तो वो कितने आपका मिलीमीटर, अगर आप देखोगे तो 10 to 3. ठीक है, डायमीटर उसका आप देखोगे तो इतना होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें वेरिएशन देखोगे आप मॉर्फोलॉजी उसकी, मतलब छोटा होता है बैक्टीरिया साइज में काफ़ी, एंड आपका क्या देखोगे, इलांगेटेड होता है, मतलब कि बहुत सारे तरीके के बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होते हैं. लाइक आपके इलांगेटेड वाला हो गया तो वो आपका बैसिली वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिली बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें आपका स्फेरिकल वाला, ठीक है, और फिर ओवल कोकई जिसको बोला जाता है, विब्रियो होता है जो कि कॉमा शेप्ड होता है, राइट, इस तरीके का बैक्टीरिया कोई. ठीक है, उसी तरह स्पायरल वाला टाइप का आपका बैक्टीरिया होता है. कोकई का मतलब होता है बेरी. ठीक है, सो विच एंड आर स्फेयर शेप्ड, यानी स्फेयर की शेप के भी आपके, यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, बहुत सारी शेप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें मोल्ड, सो मोल्ड क्या है, मल्टी सेलुलर है. ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मतलब
मैनी सेल्स, राइट। सो मैनी सेल्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फिलामेंटस मॉर्फोलॉजी होती है इनकी। ये माइक्रोब्स किसके होते हैं, कैरेक्टराइज बाय द डिस्प्ले ऑफ अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे कलर्स की डिस्प्ले ऑफ वेराइटी, यानी डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। जनरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसमें क्या, माइल्ड या फिर फजी। फजी मतलब देखो थोड़ा इसने फजी टाइप के आपको ऑब्जर्व आप करोगे तो कॉटन ही अपियरेंस आपको देगा, राइट। कॉटन की तरह प्लफ, जैसे कॉटन प्लफी होती है ना, उसी तरीके से फजी लाइक अपियरेंस आपको ये देखने को मिलता है मोल्ड के केस में, ठीक है। मोल्ड जो डेवलप्ड होते हैं वो न्यूमरस टिनी स्पोर्स की तरह डेवलप्ड होते हैं दैट आर फाउंड इन द एयर, कहाँ पे, एयर में, एंड कैन स्प्रेड बाय द एयर करंट्स, ठीक है। मोल्ड जो है वो स्प्रेड किसके होते हैं, जो आपकी हवा चलती है, एयर करंट्स हैं, उनके थ्रू ही ये क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह फैल सकते हैं। मोल्ड थ्राइव्स एट अ पीएच ऑफ 7, कितने पीएच की रेंज पर, 7, या फिर आप कह सकते हो और अ पीएच ऑफ 2 to 8 कैन बी टॉलरेटेड, इतना वो टॉलरेट कर सकते हैं इवन एन एन एसिड और अ न्यूट्रल पीएच, ठीक है। अगर आपका देखा जाए तो अगर आप एसिड या न्यूट्रल है तो जनरली वो क्या करेंगे, इस पीएच को प्रिफर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो फूड स्टफ हो गए, ठीक है, जैसे कि आपके कौन कौन से फूड स्टफ हो गए, लाइक आपके चीज़ हो गया, या आपका दैट इज़ योर पेस्ट्रीज हो गई, ठीक है। सो आपके जो चीज़ हो गए या पेस्ट्रीज हो गई या आपके नट्स हो गए, ठीक है, जो कि कहाँ पे, दैट आर इन लो इन मॉइस्चर कंटेंट, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, लो, इसको जनरली क्या कर देती है, मोल्ड जो है वहाँ पे क्या उसको अफेक्ट कर देती है, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लो होगा, अगर मॉइस्चर वहाँ पे कंटेंट लो है तो वहाँ पे मोल्ड क्या होगी, उसको अफेक्ट कर देगी, ठीक है। ग्रोथ वहाँ पे आपको मोल्ड की देखने को मिल जाती है। ईस्ट के केस में अगर आप देखोगे तो जनरली ये भी यूनिसेलुलर होता है, डिफर करता है बैक्टीरिया से, ठीक है, क्योंकि इसका क्या लार्ज साइज का होता है, मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है, ठीक है। एंड बिकॉज दे हैव ट्यूज बड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, जब ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस में ये क्या करता है, बर्ड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, बैक्टीरिया से डिफरेंस में आता है, मतलब उसके साथ इसका डिफरेंस इस तरीके से होता है, उसके शेप में, इसके साइज में, या मॉर्फोलॉजी में, या रिप्रोडक्शन के थ्रू, इस चीज़ में वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब जो ये माइक्रोब्स है कि बेस्ट कहाँ पे, अगर आप देखोगे कौन से एसिड में, तो 4 to 4.5 इस एसिड की रेंज में या इस पीएच की रेंज में ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द फूड विच इज़ हाईली कंटामिनेटेड विद ईस्ट विल बी फ्रिक्वेंटली स्लाइटली फ्रूटी ऑर्डर, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा फूड है जो आपका ईस्ट के थ्रू कंटामिनेट हुआ है तो उसका कैसा ऑर्डर होगा, फ्रूटी ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। स्मेल जो आएगी उसकी, ऑर्डर का मतलब बेसिकली होता है स्मेल आना, ठीक है। तो फूडरी मतलब जो फ्रूटी है, मतलब जिस तरीके से फ्रूट्स में से स्मेल आती है, उस तरीके का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरसेस, ठीक है। ये सारे मतलब आपके ऑर्गेनिज्म से जो कि आपके फूड को कंटामिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें वायरसेस, तो ये क्या होता है, इसका साइज से 10 to 450 nanometer का इसका साइज होता है। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब क्या होता है कि वायरस में बेसिकली क्या होता है, आपका क्या होता है, जो वायरस होता है वो आपका जब बॉडी से बाहर है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है, राइट। सो देखो, जब तक वायरस बाहर है, यानी बाहर इन द सेंस एटमॉस्फेयर में है, तो वो आपका नॉन लिविंग है, ओके। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है, ठीक है, आपने लेटेस्ट एग्जांपल देखा होगा, दैट इज योर कोरोना वायरस, राइट। सो जैसे ही ये वायरस किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा, ठीक है। लिविंग क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसको रिप्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है, किसी की भी होस्ट की बॉडी चाहिए होती है जिसमें ये क्या कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, वायरस क्या है, नॉन लिविंग भी और लिविंग भी है। नॉन लिविंग कब है, जब तक वो बाहर है। लिविंग कब है, जैसे ही वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएगा वो लिविंग हो जाएगा, राइट। सो क्या करता है ये, इट कैनॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ लिविंग होस्ट, यानी ये बिना किसी होस्ट के कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है। सो अटैक ओनली ससेप्टेबल होस्ट लाइन, इसीलिए ये किन पे अटैक करता है, जो भी आपके ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, यानी जो भी आपके सेंसिटिव होस्ट होते हैं उन पर ये अटैक करता है, इन्फेक्ट करता है आपके प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कैपेसिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक होस्ट में जिसके अंदर ये गया है उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक डिजीज ही कॉज कर सकता है। ट्रांसमिशन होता है इसका फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, राइट। अगर हम देखें जो वायरसेस हैं वो आपके इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बैक्टीरियोफेज,
ठीक है, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट योर बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बैक्टीरियोफेज क्या है, कोई भी ऐसा वायरस जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, ओल्डर वायरस, ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे कौन से ऑर्डर में आएंगे तो वायरस में। नेक्स्ट हम देखें कि ये क्या होता है, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, यानी ये आपको जो है इजीली विजिबल नहीं होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के आपको उसको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये आपको तभी दिखते हैं। ओनली आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डेवलप्ड द डायरेक्ट सोल ऑब्जर्वेशन वॉज ऑफ वायरस इज पॉसिबल। ठीक है, जब क्या हुआ था, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तब आपका क्या हुआ, वायरस को किसी ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, वायरस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, उसकी कोर से सराउंड होता है विद अ प्रोटीन की कोट। ठीक है, वायरस में आपका डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, एंड आपकी प्रोटीन की कोट भी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मतलब या तो आपका डीएनए प्रेजेंट होगा या आपका आरएनए, यानी कि डीएनए एंड आरएनए दोनों, राइट, वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और उसके साथ क्या होगा, आपका प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होगी, लेयर। नेक्स्ट हम देखें, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑल द अपरेटस फॉर अ नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसमें सारे जो आपके अपरेटस होते हैं वो एबसेंट होते हैं, सो दे मस्ट यूटिलाइज द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो जो भी आपका होस्ट सेल है उसकी जो भी सेलुलर मशीनरी होती है ये इसका यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ या डिवाइड होने के लिए, राइट। अगर वायरस को डिवाइड या ग्रोथ करनी है तो वो सारी एनर्जी किससे लेता है, अपने होस्ट से लेता है। नेक्स्ट हम देखें, वंस दे इन्वेड इनटू अ होस्ट सेल, यानी अगर एक बार वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर चला गया तो वायरसेस कैन मल्टीप्लाई रैपिडली। ये सब तो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वायरस किसी भी होस्ट के अंदर चला गया तो वो क्या करेगा, यानी एक है तो एक से वो इतनी जल्दी जल्दी क्या करेगा, आपका रिप्रोड्यूस होगा, और बहुत मतलब स्पीडली वो क्या करता है, अपने मल्टीप्लाई होता है, वो डिवाइड होता है, राइट। अगर हम देखें सबसे पहले, दैट इज़ योर बैसिलस सेरस, ठीक है, सो ये क्या करता है, बेसिकली बैक्टीरिया है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसको होती है, यानी एरोबिक कंडीशन में ये आपका ग्रो होगा। उसके बाद टेम्परेचर की रेंज इसके लिए इतनी चाहिए, दैट इज़ 5 to 55 degrees Celsius को उसका टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। पीएच की रेंज इसकी ग्रोथ के लिए 5.3 जो मिनिमम है, और मैक्सिमम 9.3 रहती है। वाटर की एक्टिविटीज़ की ग्रोथ के लिए आप देख सकते हो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वाटर की एक्टिविटीज़ को सही होती है। मोटाइल होता है, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कि क्या करता है, छोटे छोटे स्पोर्स को फॉर्म करता है। स्पोर्स जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं हीट और फिर ड्राई एनवायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट हम देखें फूड, अब कौन कौन से फूड में आपको ये बैक्टीरिया है इसको ऑब्जर्व करोगे, ये पैथोजन है आपका आएगा, जो भी आपको बॉइल्ड होगा या आपका फ्राइड राइस हो गया, जो आपका कहाँ पे स्टोर्ड हुआ है, रूम टेम्परेचर पे, स्टार्ची फूड आपके आ गए जिसमें नूडल्स, पास्ता, ये सारे प्रोडक्ट आ गए, कुकड वेजिटेबल या सैलड्स हो गई, ठीक है, मीट वगैरह आ गया जैसे कि आपका, ठीक है, जैसे बीफ हो गया या वील हो गया, वील और बीफ किसको बोलते हैं, दैट इज बीफ आपका हो गया, जो भी आपका काऊ का मिल्क होता है उसको आप बीफ बोलोगे, ये जो भी आपका काफ का मिल्क होगा उसको आप वील बोलोगे, राइट। बाकी आपका पॉर्क किसको बोलते हैं, जो भी आपका पिग का मीट हो गया आप उसे आपका पॉर्क बोलेंगे, ठीक है। सो जो भी आपके ड्राइड हर्ब्स हो या स्पीशीज हो गए, इन सारी चीज़ों में आपको ये देखा होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये अटैक करेगा, ये पैथोजन आपका अटैक कर सकता है। ड्राइड प्रोडक्ट्स आपके हो गए, क्रीम या स्वीट कर्डलिंग बिट्टी क्रीम, स्पॉयलेज में आपका, पडिंग्स या सॉसेज में आ गए, और ये सोर्स यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सॉइल के थ्रू भी आपका इधर से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डस्ट के थ्रू या एयर वाटर, ठीक है, या फिर आपका डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, इनके थ्रू ये क्या कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम देखें जो कंज्यूमर को, अगर आप ये बैक्टीरिया अगर आप किसी ने ऐसा कंटामिनेट फूड खा लिया है तो उसको क्या होगा, डायरिया आने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, राइट, और क्या होगा, इंजेक्शन टू अ कंटामिनेटेड फूड, राइट। ट्रांसमिट कैसे हुआ उसको, उसने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है। प्रिवेंशन क्या करेगा, वो वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा हीट करने से, हम इसे बता सकते हैं, स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्पोर्स लॉस मतलब स्पोर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, जब भी वो हीट रेजिस्टेंस मतलब स्पोर्स जो है लूज कर सकते हैं हीट रेजिस्टिविटी, किसी भी एसिटिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि वो क्या कर सके, अपने जो भी हीट की रेजिस्टेंस है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया पैथोजन है उसको आप हीट दोगे या स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करोगे, क्या करके, हीट करके। मोस्ट जो केमिकल होते हैं, सैनिटाइजर्स जो होते हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए ऐसे सर्फेसिस पे, वाटर एक्टिविटी को कम करवाना चाहिए उनकी, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स को हमने यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो भी इसके इफेक्टिव आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए इन सारे फूड्स में, लाइक का बेंजोएट हो गया, EDTA या फिर सोर्बेट हो गया। ओके, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ पैम्बा टेस्ट, ठीक है, PMBA।
इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनीज़। बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ के बारे में मतलब हम क्या करते हैं, उस टेस्ट के थ्रू देखते हैं जो भी आपकी बैक्टीरिया है उनकी कॉलोनीज़ को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका दैट इज़ टर्कोराइज ब्लू कलर आता है 24 आवर्स के बाद ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। राइट, अगर इसमें ब्लू कलर आ गया तो ये पॉजिटिव और नहीं आया तो ये नेगेटिव। ओके, सो कमर्शियली किट्स आर अवेलेबल। इसके लिए क्या होता है, आपका कमर्शियल जो आपकी किट्स वगैरह आती हैं वो भी आपकी अवेलेबल होती हैं। हमें क्या करना चाहिए, कुक्ड फूड करना चाहिए थ्रोली, कूल करना चाहिए इसको रैपिडली ताकि स्पोर्ट्स उसमें ना बने। ठीक है, हॉट रखना चाहिए फूड को, कोल्ड रखना चाहिए तो बहुत टेम्परेचर मतलब लो रखना चाहिए, रीहीट करना चाहिए जब भी हम खाना जो हम लेते हैं उसको। राइट, नेक्स्ट आपका आता है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनाई। इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखता है, माइक्रो दैट इज एरियोफिलिक होता है, टेम्परेचर की रेंज इसको भी 25 से 45 चाहिए होती है, वाटर की एक्टिविटी इसको भी चाहिए होती है, ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, जो आपका मूवमेंट कर सके वो मोटाइल, और जो नहीं जो मूवमेंट नहीं कर सकता वो नॉन मोटाइल। अब देखो जी बेसिकली क्या है, वो आपका स्पोर फॉर्मिंग था, ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, यानी ये स्पोर को नहीं फॉर्म करता है। इसमें जो रिस्क आपके देखोगे तो आपका आप जो भी आपका मीट वाला मटेरियल हो गया, ठीक है, उसके थ्रू ही आपका आता है। ठीक है, आपकी जो शेलफिश होगी, रॉ मीट हो गया, या आपका मिल्क हो गया, सॉरी सैलेड, मशरूम, इन सारे प्रोडक्ट्स में ये आपको देखने को मिलता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा। ये क्या करता है, जो आपकी एलिमेंट्री ट्रैक्ट होती है किसी भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल, बर्ड्स, यहाँ पे आपको जनरली आपको क्या होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और उसके थ्रू हम उसका कंजप्शन करते हैं तो वो हमारे में भी आ जाता है। राइट, यानी कोई भी एलिमेंट्री जो आपकी एलिमेंट्री ग्लैंड होती है, जो एलिमेंट्री ग्लैंड मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो उसकी जो ये गले की मतलब जो ये गला होता है ना, यहाँ ये वाला, इसको एलिमेंट्री किनार बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ये बैक्टीरिया या पैथोजन रहता है जिसके थ्रू वो क्या हो जाता है, हमारे में अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर, ह्यूमंस के अंदर आ जाता है। उसको क्या होता है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज उसको होने लग जाती है। फूड जो है व्हीकल है ट्रांसमिशन का। राइट, क्या खाया उसने, वो फूड खाया सोर्स जिस में ये था। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन का, अगर हम उससे कांटेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स का तो ये डायरेक्ट भी जा सकता है। राइट, प्रिवेंशन क्या करना है इसके लिए, इनएक्टिवेट करनी है हीटिंग। ठीक है, सर्वाइव करना है कुकिंग, मतलब आपको फूड को कुक करना है। सेंसिटिव टू ड्राइंग, ड्राइंग के लिए सेंसिटिव होता है, पीएच को रिड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो पुअरली एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन पूरा रखना है, NaCl की कंसंट्रेशन अप्लाई करो, एस्कॉर्बिक एसिड को इनहिबिट करता है जो कि इसकी ग्रोथ को। ठीक है, सैनिटाइजर्स वगैरह लगाओ, क्लोरीन वगैरह। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए सेंसिटिव होती है ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी टेस्ट आपको किया जाता है, डेट इज़ FBP टेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, आपके भी ब्लड मतलब आपका इसमें क्या होता है, ब्लड या पायरूवेट, फेरासल्फेट, ये सब चीज़ों का यूज़ करके इसका भी टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, अवॉइड करो क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। राइट, इधर से वो चीज़ उधर ना जाए, रॉ फूड्स का या किसी का भी, और दोबारा से खाने को रीहीट करो यानी फूड को। नेक्स्ट हम देखें दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। सो इसमें क्या होता है, ये मोटाइल होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है, एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंट होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है इस पीएच पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप वन या ए टाइप के आपके प्रोलेटिक होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने दो ही नाम सुने होंगे ना, एनएरोबिक और एरोबिक। ठीक है, सो अनएरोबिक मतलब जिसमें आपको क्या हो, अनएरोब्स हो, यानी एरोबिक आपका ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, टेम्परेचर की रेंज इतनी बताई हुई है दैट इज 10 to 48, पीएच की रेंज इसमें इतनी होती है जिसमें वाटर एक्टिविटी भी होती है। राइट, इसमें इस फिट नेक्स्ट जो आपका आता है वो ग्रुप टू वाले आते हैं जो कि नॉन प्रोलेटिक होते हैं, इसके लिए भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है पीएच की एक्टिविटी में, वाटर की एक्टिविटी में, तो हल्का हल्का डिफरेंस आपको होता है, इसलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरली ये कहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी आपका अनकुक्ड फूड है, ठीक है, ए वाला अनकुक्ड फूड जो है बेसिकली आपको देखोगे तो राइट इसमें आपको देखने को मिलेगा। राइट, और या फिर आपका एस्पराइगस हो गया, पोटैटो, कैबेज, ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। जो भी आपका सॉल्टेड फिश होगी, सी फूड आपका हो गया, ये ई वाला उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट होते हैं लो एसिड फ्रोजन या फिर कोल्ड फूड में, जहाँ पे ठंडा जो आपका खाना होता है उसमें इसके स्पोर्स क्या होते हैं, जनरली आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, केंड प्रोडक्ट्स जो आपके आप कहते हैं वेजिटेबल्स के या मीट वगैरह के केंड प्रोडक्ट आते हैं ना, उनमें भी ये प्रेजेंट हो सकती है। राइट, उसके बाद हनी वगैरह या कि चिकन, सॉसेज, इन सब में भी आपको देखने को मिलता है। इसका सोर्स कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आपका डस्ट के थ्रू, मड, वाटर, एनिमल, ठीक है, इन सब के थ्रू ये क्या हो सकता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकता है। रिस्क देखें तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सीधा ब्रेन वाले जो आपके सिम्टम्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। फूड जो है कंटेमिनेट हमने अगर खा लिया है जिसमें क्या है, स्पोर्स या फिर वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया के, तो ये इन्फेक्ट करेगा, तो हमें पहले स्पोर्स को इनएक्टिवेशन करना होगा, टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा हीट करके, वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करो। राइट,
और अगर अब वो है तो थर्मल डेथ इंक्रीज़ करो उसका पीएच। नेक्स्ट है टॉक्सिन को इनएक्टिवेशन करो, पीएच को रिड्यूस करो खाने के, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड करिए, स्पोर्स जो है उनको एक्टिव करो बाय ओजोन या क्लोरीन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, राइट। टेस्ट कैसे करते हैं हम, हॉर्स ब्लड या एग योक या अगार, इन सारों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं टेस्ट को मतलब कंडक्ट करा सकते हैं, कॉलोनीज को हम देख सकते हैं। जनरली अगर आप देखें तो फूड को होल्ड नहीं करना, मतलब जनरली इस टेम्परेचर के आपको ध्यान रखना पड़ता है कभी भी खाने को मतलब होल्ड करके निकलिए। नेक्स्ट हम देखें दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस में क्या होता है बेसिकली, ये इसमें भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसको होती है, टेम्परेचर की रेंज इसको 10 to 52 चाहिए, पीएच की रेंज 5 मिनिमम है 9 मैक्सिमम, नहीं स्पोर फॉर्मर होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, नॉन मोटाइल यानी कि क्या करता है मूवमेंट नहीं नहीं कर पाता है, राइट, एंटीरोटॉक्सिन इसमें प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए कौन कौन से खाना जो रिस्क होती है मतलब कि जिनसे क्या है रिस्क, मतलब इस फूड पे ये क्या होता है जनरली ऑब्जर्व होता है, तो कुक्ड मीट वाले जो आपके फूड हो गए, सूप या वेजिटेबल करी हो गई, राइट, एरोबिक कंडीशन में जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं, पोल्ट्री की डिशेज या प्रिपेयर या फिर एडवांस, ठीक है, इन सारों में जनरली क्या होता है आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका प्रेजेंट होता है। सोर्सेज अगर आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये सॉइल, डस्ट, वाटर, वेजिटेशन, इन सारी चीज़ों से ये क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, या फिर आपकी जो ह्यूमन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो डायरिया या एब्डोमिनल पेन आपको इसमें ऑब्जर्व होगा, वाउंड इन्फेक्शन या फिर गैस गैंग्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन ऑफकोर्स कंटेमिनेट फूड खा लिया है तो ये हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करो इसके लिए, एंटीरोटॉक्सिन को इनएक्टिवेट करो हीट करके, वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करो ताकि उसकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। 6 to 8% ऑफ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज़ करो जो कि इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, राइट, पीएच जो है वो बिलो रखो, राइट, हाई कंसेंट्रेशन जो है इथेनॉल का उसको यूज़ करो सैनिटाइजर की तरह ताकि जो क्या स्पोर्ट्स की क्या हो जाए डेथ हो जाए। टेस्टिंग के लिए टीएससी एंड ओपीएसपी मीडिया कंटेनिंग जो है ये सब मीडिया बनाओ, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इनक्यूबेट करो, राइट, टेस्ट चेक करो, अवेलेबल जो इसकी किट्स हैं कमर्शियल लेवल पे भी वो भी आती हैं, ठीक है। कुक फूड को हमने क्या करना है थ्रोली करना है, कुक फूड को थ्रोली कुक करना है और क्या करना है ताकि स्पोर्ट्स उसमें ना आए, मतलब जल्दी जल्दी अगर आप फास्टली या थ्रोली इस फूड को कुक करोगे तो उसमें जो है स्पोर्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। फूड को जो है वो हॉट रखो, रीहीट करो, दोबारा दोबारा फूड को कुक करो, दैट इज़ ईकोलाई। ईकोलाई का नाम तो सुना होगा ना, एशरेचिया कोलाई। इसमें भी क्या होता है आपका जनरली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये फैक्यूल्टेटिव एनएरोबिक होता है, टेम्परेचर की रेंज इसमें भी आपको 10 to 44.5 degrees चाहिए होती है, पीएच का ग्रोथ जो है 4 minimum और 9 maximum है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, सर्वाइव करता है चिल्ड या फिर फ्रोजन फूड, ठीक है, जो ठंडा होता है वो वाला, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस क्या करता है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि सेवरल डैमेज कॉज करते हैं आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो भी आपकी इंटेस्टाइन है उसमें ये क्या करेंगे डैमेज को कॉज करता है। फूड जो है देखो उसमें आपका डायरिया, आपको क्रैम्स आ गए, ब्लडी यूरिन आ गया या लॉस ऑफ एपेटाइट आ गया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है आपका आपके जनरली अंडर कुक्ड जो आपका ग्राउंड मीट है वो आपको देखने को मिलता है, राइट, क्या होता है आपका जो भी आपका कुक्ड या फिर अंडर कुक्ड है यानी रॉ हैमबर्गर्स हो गए तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें, रॉ मीट में या अल्फाल्फा के जो स्प्रॉट्स होते हैं, अनपास्चराइज फूड, लेट्यूस, चीज़ में, ड्राई कट, उसमें फर्मेंटेड सॉसेज, इन सारे में जनरली इन फूड्स में ये जनरली आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सोर्स तो कैटल के थ्रू भी, काउ, शीप, डियर, वाटर कंटामिनेटेड फिशीज सोर्सेज, इन सब के थ्रू ये क्या हो सकता है ट्रांसमिट हो सकता है। रिस्क अगर हम देखें इसका तो देखो हेमोफिलिक कोलाइटिस यानी ब्लडी डायरिया आपको ऑब्जर्व होगा, राइट, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम मैंने बता दिया अभी, ठीक है, अनीमिया भी ऑब्जर्व हो सकता है, ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड खाना या वाटर या फिर पर्सन टू पर्सन का आपका कंटेक्ट होना, पर्सनल हाइजीन जो है आपकी पुअर हो इस वजह से भी। प्रिवेंशन के लिए रैपिडली इनएक्टिवेट करोगे हीटिंग करके, कुकड करोगे बीफ को प्रॉपर, ठीक है, वॉश करोगे फूड्स एंड वेजिटेबल को प्रॉपरली, ठीक है, दैट इज़ योर एसिडिफाई करोगे पीएच को, दैट इज़ 4 to 2, फूड को एसिडिफाई करना है आपको इसकी स्पीच पे 3.6 पीएच पे। सेंसिटिव है ये किसके लिए, अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए। उसके बाद आपको जो है आपको इथेनॉल या फिर दैट इज़ बेंजाइल कोनियम क्लोराइड ये सारी अब डालने होते हैं, इफेक्टिव होते हैं ये किसके लिए, इसको सैनिटाइजर की तरह यूज़ करके इनको इनके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो ईकोलाई का विच आर नॉन सेंसिटिव, ठीक है, इसके लिए। इसके बाद लेटेक्स एग्यूनिटेशन किट आप जनरली लोगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाओगे, कुक करोगे फूड को थ्रोली और कूल करोगे रैपिडली, ठीक है, फूड जो है आपको आपको जनरली कुक कराना है, अगर आपको ज़्यादा देर कहोगे उसको रीहीट कराओ, दोबारा से कुक कराओ। लेस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस
इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ऐसे ही हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, पीएच की रेंज 4.4 टू मैक्सिमम 9.6 मिनिमम और मैक्सिमम और 4.4 मिनिमम, वाटर की एक्टिविटी हो गई, नॉन स्पोम फॉर्मिंग, स्पोर नहीं फॉर्म करते हैं, सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं, ग्रो करते हैं रेफ्रिजरेशन कंडीशन में। फूड जो है देखो, रॉ मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सारे फूड्स में आपको देखने को मिलते हैं, ये जो सोर्सेज हैं इन फूड्स को ही जनरली अफेक्ट करता है। वाटर, सॉइल, सीवेज, इनके थ्रू ये क्या कर सकता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें जो आपका इसमें क्या था, इन्फ्लुएंजिया लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर, या फिर आपके जो एल्डर पर्सन होते हैं उनको ये क्या करता है, जनरली उनके इम्यून सिस्टम या उन सारों को, ये जो भी प्रेग्नेंट हो गई, एल्डर वुमेन हो गए, उन सबको इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिट हो सकता है फूड के थ्रू, राइट, जो भी आपका फूड है उसके थ्रू ऑफकोर्स कंटेमिनेटेड कर सकता है कोई भी फूड होगा उसको, ठीक है। अगर ये हुआ है तो पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो सकते हैं। ग्रोथ को हमें इनविजिट करना पड़ेगा पीएच पे 4.4, ठीक है, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा टेम्परेचर को। वेजिटेबल्स को हमने इनएक्टिवेट करना है लाइजोजाइम से, सैनिटाइजर्स करने हैं, ठीक है, इफेक्टिव है एलिमिनेट कंटेमिनेशन ऑफ फूड, राइट। उसके बाद सेंसिटिव होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, फूड को जो है आपने किस किस टेम्परेचर पे होल्ड करके रखना है। टेस्टिंग के लिए आपने अगार वगैरह यूज़ करनी है, डिथीडियम क्लोराइड, फिनाइल इथेनॉल, ग्लाइसिन, एनहाइड्राइड, ठीक है, इन सब को यूज़ करना है। उसके बाद आपने कैंप टेस्ट करना है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जोन ऑफ हेमोलाइसिस व्हेन ग्रोन इन प्रॉक्सिमिटी इस, ठीक है, मतलब आपको ये टेस्ट कंडक्ट कराना है किसके उसके लिए, ताकि आपको ये चेक हो सके उसकी ग्रोथ को। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी हीट को रीहीट करोगे फूड को 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, अवॉइड करोगे पोस्ट कुकिंग को, रेडी टू ईट व्हेन लॉन्ग शाई रॉन्ग दैट इज सेल्फ लाइफ। नेक्स्ट आता है साल्मोनेला। साल्मोनेला में भी यही है कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की ग्रोथ उसकी इस टेम्परेचर पे होता है, पीएच की रेंज 3.7 मिनिमम होती है, 9.6 मैक्सिमम होती है, नॉन स्पोम फॉर्मिंग होता है, मोटाइल होता है, हीट के सेंसिटिव होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वगैरह या डिहाइड्रेटेड फूड में या फ्रोजन फूड्स में ये सर्वाइव कर जाता है लॉन्गर टाइम के लिए। अंडरकुक्ड जो भी आपके मीट या मील प्रोडक्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनपॉस्चराइज मीट में, एग के प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एग शेल या फेकल मेटल्स जो आपके हो गए, ठीक है, उन सब में ये आपको देखने को मिलता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स के थ्रू, या फिर दैट इज हॉर्न्स हो गए आपके रोडेंट पेट्स, ठीक है, इनके जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इनके थ्रू ये आपको क्या कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। रिस्क देखोगे तो ऑफकोर्स दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करेगा, टाइफॉइड या फीवर वगैरह आपको आ सकता है, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, चिल्स, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया आपने आपका कंटामिनेटेड फूड तो उसकी वजह से ट्रांसमिट हुआ है, डिसेमिनेट कर दिया आपके ईएम दैट इज आपके ह्यूमन या आपके जो भी आपके सॉइल या वाटर के थ्रू जो ह्यूमन फेसेस हैं अगर उनके थ्रू कभी मतलब हो जाता है ना तो उसके थ्रू ट्रांसमिट ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रिवेंशन, तो आपको डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ फूड अवॉइड करनी है, एसिडिफाई करना है फूड को, थ्रूली वॉश करने हैं वेजिटेबल्स, हीट सेंसिटिव या थर्मल डिस्ट्रक्शन करना है, नॉट रेजिस्टेंट टू सैनिटाइजर यूज़ करने हैं, पाश्चराइजेशन ऑफ रॉम एग या मिल्क का आपको करना पड़ता है। टेस्टिंग करने के आप इसकी टेस्ट से दैट इज ठीक है टीएमओ कल्चर मीडियम से, एलिसा किट आपकी आती है राइट वायरस के लिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फूड को कुक करना है थ्रूली, हॉट रखना है, रीहीट करना है फूड को, ठीक है, दोबारा से करना है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेंसिस, तो इसके लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी होती है, 7 से इतना 50 पीएच चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 4 मिनिमम और 10 मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। एंटीरियर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये भी हीट रेजिस्टेंट होता है, सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई नंबर्स में ये प्रोड्यूस करता है। रॉ जो भी आपका मीट या पोल्ट्री का प्रोडक्ट हो गया उसमें ही देखने को मिलता है, सॉल्टेड मीट वगैरह हो गए उसमें, ठीक है, आपकी स्वीट्स वगैरह आ गए जो कोल्ड स्वीट ठंडी स्वीट्स होती हैं क्रीम या बेकरी वगैरह उन सब में ये आपको होता है, या आपके हैंडलिंग के टाइम पे जो भी आपका प्रोसेस है उसमें आपका आ जाता है, स्किन के थ्रू या फिर स्किन ग्लैंड, ठीक है, म्यूकस वगैरह मेम्ब्रेन जो आपके आ गई उन सब के थ्रू ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, या आपके प्लांट सर्फेसिस या डस्ट एयर इन सब से भी ये जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें अगर इसमें आपको फीचर्स मतलब क्या सिम्टम्स देखोगे तो नॉजिया आपको होगा, वॉमिटिंग होगी आपको, स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे, डायरिया होगा, ये सब देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन अगर देखो तो कंटेमिनेट फूड खा लिया या फिर हैंडलर्स में अगर जो आपका फूड को हैंडल कर रहा है उसके थ्रू उसके स्किन के थ्रू उन सब से जा सकता है, कफ या स्नीजिंग फूड के ऊपर कर दी, ठीक है, तो उसके थ्रू छींक मार दी किसी ने खाने में या खाने के ऊपर या हैंडलिंग करते वक्त तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम देखें जो फूड है मतलब फर्मेंटेशन के टाइम पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, इसकी ग्रोथ को, राइट। सो ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराना, केमिकल सैनिटाइजर्स का यूज़ करना,
राइट right? उसके बाद पीएच को रिड्यूस करना, वाटर को क्वालिटी मतलब जो वाटर की एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करना, डायरेक्टली हैंडलिंग या कुक्ड रेडी टू ईट फूड मतलब सॉल्टेड फूड्स वगैरह यूज़ करना। बेयर्ड पार्कर अगार गिव्स कैरेक्टरिस्टिक शाइनी जेट ब्लैक कॉलोनी सराउंडेड बाय एट इज क्लियरली जू राइट। ये आपको यूज़ करोगे ताकि आपको पता चल सके। नेक्स्ट हम देखिए जो आपका एंडोटॉक्सिन आइडेंटिफिकेशन है, ये आप पता करोगे एलिसा टेस्ट कर सकते हैं राइट। आपको क्या करना है, आपको हॉट रखना है फूड को, इस टेम्परेचर पे कूल रखना है, इस टेम्परेचर पे रीहीट करना है और फूड को, दैट इज़ शिगेला। शिगेला में बेसिकली क्या होता है, इसके भी आपके जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी चाहिए, पीएच की रेंज आपको 4.8 to 9.3 चाहिए। ये नॉन मोटाइल होता है, बेटरली क्या लो टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर लेता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग यानी ये स्पोर को फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको ये मतलब आपका इफेक्ट करता है, तो जो भी आपके अनकुक्ड है यानी जिनको कुक्ड नहीं किया है, या फिर सैलड हो गया, रॉ मटेरियल, जो भी आपके वेजिटेबल्स हो गए, स्लाइस्ड वाले फूड, उन सबको इन्फेक्ट करता है। सोर्सेज देखो तो जो भी आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगी ह्यूमंस की या किसी भी अदर उनकी, उनको इन्फेक्ट करता है। रिस्क क्या है कंज्यूमर के लिए, बेसिकली एब्डोमिनल में आ सकता है क्रैम्प, डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग, ठीक है, इन सबको ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। अगर देखो इसमें भी आपको नोजिया, स्टमक पेन, क्रैम्प्स, ये सारे आपके आते हैं, ठीक है, ये भी सेम वही है, इसी तरीके से आपकी जो है एक्टिविटी आपको दिखने को मिलती है, ठीक है। उसमें भी आपका जनरली जो आपका मटेरियल है यानी जो भी आपको यूज़ करना है वो सेम ही होता है कि आपने जो आपका दैट इज़ योर आपका कफ हो गया या स्नीजिंग हो गया, वो आपका आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि फूड के ऊपर ना हो, रिड्यूस करना पड़ता है पीएच एट वाटर की एक्टिविटी राइट, ये सब करने पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दैट इज़ बेयर्ड पार्कर अगार इसी मतलब इसका टेस्ट कराना पड़ता है ताकि आपको क्या हो, आप मतलब किसी भी वायरस के लिए अगर आप देखोगे तो एलिसा टेस्ट, ठीक है, जो आपका एलिसा टेस्ट है कि आप कराओगे ताकि आपको क्या सके पता चल सके। नेक्स्ट अगर हम देखें विब्रोक्लोरी, तो इसके लिए की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर का रेंज 10 to 45 चाहिए, पीएच 5 to 10 मैक्सिमम है, वाटर की एक्टिविटी 9.55 है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, जो आपको प्रोड्यूस है पोटेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एल्कलाई कंडीशंस में भी ये ग्रो कर जाता है, यानी जो अगर आपके एल्कलाई कंडीशन है वहाँ पे ये हो जाएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जनरली इनको अफेक्ट करता है, कंटामिनेट करता है, ठीक है, या फिर फूड कमिंग फ्रॉम अ कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे कि सी फूड हो गया, कहीं कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट से आ रहा है तो वहाँ से ये हो जाता है। अनकुक्ड फूड या मेराइन वाले हो गए, फिश या सेल फिश हो गई, रॉ ऑस्टर हो गया राइट, मेराइन एनवायरनमेंट में हो गया, टेम्परेट या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई ड्यू टू पुअर सैनिटेशन राइट, इनसे भी आपका आ जाता है। अगर हम देखें कंज्यूमर को क्या रिस्क है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोफ्यूज वाटर या डायरिया, वॉमिटिंग, लेग में क्रैम्स आना, रैपिडली लॉस होना बॉडी फ्लूइड का, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है और आपके फूड के इंजेक्शन के आपको देखने को मिलता है उसकी वजह से। इसमें भी आपको ये ड्राइंग के सेंसिटिव होता है, रैपिडली इनएक्टिवेट करना पड़ता है आपको, थ्रूली वॉश करना है वेजिटेबल्स को, क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है डायरेक्ट फूड हैंडलिंग को किसी भी इन्फेक्टेड एम्प्लॉय के साथ राइट। नेक्स्ट हम देखें दैट इज TCBS अगार टेस्ट हम जनरली यूज़ कराएंगे, ठीक है, इसके लिए फूड को हॉट रखेंगे या फिर कोल्ड रखेंगे। नेक्स्ट अगर आपका आपका है दैट इज़ यरिशिना एंटेरोगोलिटिका, तो इसमें भी आपको क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, टेम्परेचर 1 to 40, पीएच की रेंज 4.2 to 10 राइट, मतलब 4.2 मिनिमम एंड 10 मैक्सिमम, वाटर की एक्टिविटी देखनी होती है, वो आपका स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, मोटाइल होता है, टॉलरेंट कर देता है 6% सॉल्ट को, रेजिस्टेंट होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के, यानी एनवायरमेंटल के कोई भी स्ट्रेस इसको हार्म नहीं पहुँचा सकती है, हाई पीएच के लिए मतलब यूज़ कर सकता है डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग। फूड जनरली रिस्क में आपका रॉ ऑयस्टर, मिल्क, शेलीफिश, डेयरी फिश, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके आ गए। सोर्स सॉइल, वाटर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ मैनी एनिमल्स, जो भी बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आ सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया होना, फीवर होना, ये कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पर्सन टू पर्सन जा सकता है या फिर आपने इंजेक्ट कर लिया है कुछ भी कंटामिनेटेड राइट फूड या वाटर राइट। उसके बाद आपको पास्चराइजेशन करना है, आपको मतलब आपको यूज़ करना है 5 to 7% सोडियम क्लोराइड ताकि इसकी ग्रोथ को इनहेबिट हो सके राइट, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करोगे। सेंसिटिव होता है अल्ट्रावायलेट रेज के, डायरेक्ट हैंडलिंग को अवॉइड करना है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास। पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर आपके कंटामिनेशन जो है आपको रेडी टू ईट फूड्स ऑफ लॉन्ग सेल्फ लाइफ, ठीक है, ये आपको अवॉइड करनी है ये सारी चीज़ें। CIN अगार जो आप इनक्यूबेट करोगे इसके टेस्ट के लिए 24 hours के लिए ताकि आप चेक कर सको कि आपकी जो भी इसके बैक्टीरिया इसकी वायरस इसकी ग्रोथ हो। नेक्स्ट है फूड को आपने हॉट रखना है, रीकुक्ड करना है आपने दोबारा से इस फूड को।
नेक्स्ट आता है आपका क्रिप्टोस्पोरोडियम पेवरम, ठीक है। ये सारे आपके फूड बॉर्न पैथोजेंस में आते हैं। ये आपका प्रोटोजोआ है, इंट्रासेलुलर होता है, मोस्टली लाइक टू प्रेजेंट एज अ ओस्ट, के ओस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओस्ट क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है आपके स्टेनलेस स्टील में, अगर वो थोड़ा वेट है तो। रेजिस्टेंट होता है क्लोरीन के, रॉ मिल्क, रॉ नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा फूड टच कर लेता है, अगर कोई भी फूड हैंडलर उसके थ्रू, सैलड वगैरह, राइट। सोर्सेज लाइव स्टॉक्स के थ्रू, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाटर फेकली कंटामिनेटेड। डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। आपके इन सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकता है, अपने कोई भी इंजेक्ट कर लिया है कंटामिनेटेड फूड तो उसके थ्रू भी, वाटर, राइट। उसके बाद इसमें सेम ही है, इनएक्टिवेट करना है आपको फ्रीजिंग पर, सेंसिटिव है अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए, ड्राइंग के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। अवॉइड करना है क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, वॉश करना है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को, राइट। टेस्टिंग के लिए आपने EIA टेस्ट कराना है, दैट इज एंजाइम इम्यूनो एसे एंड इम्यूनो फ्लोरसेंट एंटीबॉडी, ठीक है। ये सारे टेस्ट कराने हैं जो कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, ताकि आपको क्या कर सकें, क्रिप्टोस्पोरिडियम को डिटेक्ट कर सको। फूड को आपने कुक हॉट रखना है, अगर कोल्ड रखना है तो बिलो 4 और हॉट रखना है तो अबव 60, और खाने को क्या करना है, दोबारा से हीट करना है। नेक्स्ट आपका आता है एंटेरिक वायरस, ठीक है। इसका भी क्या है, ये रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस, हेपेटाइटिस ई, ये सारे आते हैं। ये डू नॉट रेप्लिकेट इन फूड, रिक्वायर ह्यूमन सेल टू मल्टीप्लाई, यानी ये खाने के अंदर रेप्लिकेट नहीं होते, इनको ह्यूमन की बॉडी के के में चाहिए होता है रेप्लिकेट, यानी कि ये क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी में आके फिर रेप्लिकेट होते हैं। ये पास थ्रू हो जाते हैं, जो भी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ के थ्रू पास हो जाते हैं। स्टेबल होते हैं 3 pH पे, रेजिस्ट होते हैं फ्रीजिंग और ड्राइंग के। फूड जो है रिस्क आपका शेल्फ फिश जो आपके हो गए, सैलड्स वगैरह हो गया, या भी कंटेमिनेटेड फूड या हैंडलिंग के थ्रू, उसके थ्रू आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखिए, जो कंटेमिनेटेड फूड या आपका जो भी मटेरियल है कंटेमिनेट हैंडलर्स के थ्रू वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है आपका, राइट। डायरिया और वॉमिटिंग आती, मतलब इसमें आती है जनरली, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में होता है तो गैस्ट्रिक वाली जो आपके ट्रैक्ट है वहाँ से। फूड बॉर्न वायरसेस है, ट्रांसमिट होता है फिकल रूट से, ठीक है। ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई इंजेक्टिंग कंटेमिनेटेड फूड, राइट। कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है तो उसके थ्रू भी आपको हो जाएगा, आपने कोई भी फूड खा लिया जो कंटेमिनेट है विदाउट रीहीटिंग। उसके बाद हीट करना है, इसमें प्रिकॉशन प्रिवेंशन में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट करना है आपको 30 मिनट्स तक 50 डिग्री सेल्सियस पे। पीएच को रिड्यूस करना है, वॉश करना है वेजिटेबल्स को, क्लीन रखनी है सब कुछ, डिसइन्फेक्शन करना है, ठीक है। वॉमिट मतलब बेसिकली आपको साफ़ सफाई रखनी होती है फूड हैंडलर्स के पास, ट्रेनर्स के पास, ताकि वॉशिंग टेक्निक्स को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, पीएच को ढंग से रखना चाहिए, ठीक है। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन ऑफ एंटेरिक वायरस इन स्टूल सैंपल्स, ये टेस्ट आप करोगे अपने स्टूल सैंपल्स में तो आप डिटेक्ट करोगे कि इस आपका प्रेजेंट है कि नहीं है पैथोजन। नेक्स्ट अगर आप देखें, क्योंकि आपने आपका जो है आपका दैट इज एंजाइम इम्यूनो ऐसे कराओगे, री हीट करोगे फूड को, बॉयल करोगे, फिल्टर करोगे, ट्रीट करोगे पोर्टेबल वाटर से, दैट इज यार्डियल एमलिया। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है फूड के अंदर या वाटर के अंदर। वाटर का जो है लो टेम्परेचर चाहिए, कूल या मॉइस्ट कंडीशन चाहिए उसके लिए, जस्ट आपको रेजिस्टेंट चाहिए, सैलड वेजिटेबल फ्रूट्स, राइट। इन सारों में ये क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, ओके। रूट क्रॉप्स वगैरह आप के आगे। सोर्सेज अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल वाटर में, फाउंडेड एनिमल्स या बर्ड रेप्टाइल्स में, ठीक है। गियर ड्रेसेस में आपको क्या होगा, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या नोजिया, वेट लॉस या डिहाइड्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलता है। ट्रांसमिट पर्सन से पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकता है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इन सब के थ्रू भी कंटेम मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है हीटिंग करोगे इसकी 60 से 70 पर, बॉइलिंग करोगे 3 मिनट तक, पाश्चराइजेशन करना है, ठीक है। इसको आपके सिस्ट है, इसको इनएक्टिवेट करोगे फ्रीज करके, थ्रोली वॉश करोगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, अवॉइड करोगे फूड की हैंडलिंग को इन्फेक्टेड एम्प्लॉयज के में, ठीक है। टेस्ट करना है आपके स्टूल्स को, इलेसा टेस्ट करोगे आप जनरली, ठीक है। इसके बाद खाने को रिकुक्ड करोगे, हीट करोगे, नॉन पोर्टेबल वाटर के साथ वॉश करोगे। हेपेटाइटिस ए या इसमें क्या होता है, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल या फिजिकल एजेंट के थ्रू, चाहे वो आपका हीट या आपका सॉल्वेंट हो। अंडर फ्रीजिंग के थ्रू या रेफ्रिजरेटर कंडीशन में आपने इसमें करना है स्टेबल पीएच, 1 pH पे इसको रख के रखना है। जो इसके लिए आपका रिस्क में फूड होता है तो मीट हो गया या फ्रूट्स या सैलड, ये जो भी आपका मटेरियल है, इन सब में क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव या मतलब इन सारे फूड्स में ये आपका इन्फेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन के फेसेस या कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर, मैराइन सेडिमेंट, सॉइल, इनके थ्रू आ सकता है। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, लिवर डैमेज, ठीक है, जॉन्डिस, ये सारे हो जाते हैं। फिकल मेटल से आ जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सबका हो जाता है, राइट। इन सब के थ्रू ही आपको देखने को मिलता है। कुक करना है आपने, थ्रूली वॉश करना है, अवॉइड करना है हैंडलिंग को, इंश्योर करना है आपके फूड हैंडलर्स को, इन्फेक्टिविटी को डिक्रीज करना है 70% एल्कोहल में,
ठीक है, इनएक्टिवेट करना है बाय यूवी रेडिएशन के थ्रू। टेस्ट करोगे आप, फूड इज रेयरली एनालाइज्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड के थ्रू। जनरली क्या करोगे आप, बॉयल करोगे, ट्रीट करोगे नॉन पोर्टेबल वाटर से बिफोर ड्रिंकिंग। नोरो वायरस भी इस तरीके का ही होता है आपका, सिमिलरली जो आपका वाइडली आपका एक एजेंट होता है फूड और वाटर बॉन्ड के बीच में, स्टेबल होता है आपका रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग में आता है। इसके लिए आपको पीएच 3 से 4 चाहिए होता है। ये हीट के रेजिस्ट ड्राइंग के रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम देखें तो आपका वाटर या उसमें प्रेजेंट होता है बेकरी के प्रोडक्ट्स वगैरह में, शेल फिश में, राइट। इन्वायरमेंटल सर्फेसिस में आपको देखने को मिलेगा ये इन्फेक्टेड ह्यूमंस के थ्रू, फेकल पोल्यूशन या सीवेज की जो डिस्चार्ज होती है इसमें आपको ये ऑब्जर्व होगा। अब अगर हम देखें तो किस किस को ये आपको देखोगे, मतलब इसमें क्या आपका होता है, स्टमक में क्रैम्प्स आ जाते हैं, डायरिया होता है, ठीक है। इंजेक्शन कर लेते हो आप किसी भी कंटामिनेटेड फूड का तो वहाँ से आ जाता है, पर्सन से पर्सन में जा सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है सरफेस के थ्रू, ठीक है। आपको क्या करना है, सेलफिश को प्रॉपरली कुक करना है, थोरली वॉश करना है, वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, किसी भी अपने जो है हैंडलर्स है फूड हैंडलर्स, तो किसी भी इन्फेक्टेड वाले को अपने हैंडलिंग के लिए नहीं अलाउ करना है। इंश्योर करना है प्रॉपर ट्रेनिंग हो फूड हैंडलर्स की, ना इफेक्टिव ना हैंड वॉशिंग तरीके से आप इसे यूज़ करें। मॉलिकुलर मेथड हम यूज़ करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह, ताकि हम क्या कर सकें, एंड द वायरस इज़ नॉन कल्चरेबल एंड डज नॉट ग्रो इन फूड, ठीक है। बॉयल करना है, फिल्टर करना है, राइट। उसके बाद आपका आता है स्कॉम्ब्रॉड या हिस्टामाइन पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ये एक्ट करता है इनडायरेक्ट एजेंट का फूड पॉइजनिंग में, कन्वर्ट कर देता है फूड कंपोनेंट को हार्मफुल कंपोनेंट में, राइट। किसी भी जो आपका फूड है उसको हार्मफुल कंपोनेंट में ही चेंज कर देता है। ये क्या करता है हिस्टामाइन जो प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर में, ठीक है, और स्पॉयल करना शुरू कर देता है, आपके खाने को ख़राब करना शुरू कर देता है। कुकिंग या हीटिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय हिस्टामाइन, यानी अगर आप कुक करोगे या कुछ करोगे तो हिस्टामाइन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वैक्यूम पैकेजिंग इज नॉट इफेक्टिव इन स्टार्टिंग हिस्टामाइन प्रोडक्शन, वैक्यूम पैकेजिंग भी आपकी इसके जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है। ये आपकी फ़िश होती है टूना फिश या मैकरल, ठीक है, इन सब में आप देखोगे तो ये आपका आता है, ठीक है। फिश में आपको देखोगे दैट इज़ योर कैंड फिश वगैरह आपके आ गए, या चीज़ वगैरह आ गया, स्विस चीज़, फर्मेंटेड मीट के प्रोडक्ट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए दैट इज़ शॉकट वगैरह, ठीक है, इन सब में आप ऑब्जर्व करोगे। कंटामिनेटेड फूड जो होता है वो हिस्टामाइन जनरली कौन सा होता है, मेनली फिश होती है। केमिकल इंटॉक्सिफिकेशन, डायरिया, फेकल नेक रैशेज, इंफ्लेमेंटेशन, डिजीनेस, ईचिंग, वॉमिटिंग, ये सब आपके इसके देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। इंजेक्शन कर लोगे अगर आप फूड का जिसमें क्या हिस्टामाइन है उसके थ्रू होगा। इन चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ करना है हमने क्या, स्टार्टर कल्चर का यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें लो वॉन दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी कम हो। शॉर्ट फर्मेंटेशन टाइम रखना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टार्टर का टाइम रखना है। ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर करना है फिश को रेफ्रिजरेटर में प्रॉपरली, चिल करना है फिश को, होल्ड करना है फिश को इतने टेम्परेचर पे, रॉ फिश को परचेज करना है विद दैट इज नोन एंड रेप्यूटेबल सप्लायर्स के थ्रू। FDA केमिकल मेथड यूज़ करोगे, एल्कोहल एक्सट्रैक्शन फॉलोड, कमर्शियल किट्स जो है हिस्टामाइन के लिए डिटेक्ट करनी है आपने। फिश शुड बी रैपिडली रिट्राइव्ड, द वाटर कुक्ड एज अ क्विकली एंड पॉसिबल हैंडल्ड यूजिंग गुड हाइजीन प्रोसीजर्स, ठीक है, ये आपने यूज़ करना है, गुड रखने हाइजीन के जो प्रोसीजर्स हैं। अब कुछ ग्लॉसरी है, लाइक आपने एरोपिप्स पढ़ा एंड एनरोप्स पढ़ा। एरोपिप्स का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। जब किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एरोप्स में आता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है तो एनरोप्स में आते हैं। बेयर्ड पार्कर अगार का मतलब क्या होता है, लिथियम क्लोराइड, टेरोटाइन या एग योक, या इन सब के जो आपका मीडियम है उसको बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है कैंप टेस्ट। सो ये जनरली इनिशियली 4 डिस्कवर जो आपके आए थे दैट इज क्रिस्टी, एटकिंस, मंक एंड पैटरसन, इनके टेस्ट को ये नाम दिया गया है। किन का मतलब आपको होता है दैट इज सेफिलोडिन, दैट इज एरगेसन एंड नोवोबायोसिन, इसके जो का इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको ये देखने को मिलेगा। एंड एलिसा को तो सबको पता है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, एस्ट्रिक मार्क लगा लो, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें आपका एंटीरोटॉक्सिन, तो एंटीरोटॉक्सिन जो रिलीज होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद रिलीज करते हैं अपने लोअर इंटेस्टाइन में उनकी, ठीक है, ये ऑल्टर करता है कि जो परमेबिलिटी है उन सब के, ठीक है, वाटर वगैरह को, ताकि क्या हो सके, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लीक इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक में जा सके। फैक्यूल्टेटिव एनरोबिक्स का मतलब होता है विच ग्रो आइदर विथ और विदाउट ऑक्सीजन, यानी जो क्या कर सकते हैं, मतलब कि फैक्यूल्टेटिव का मतलब होता है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो विथ और, यानी साथ में या विदाउट, यानी ऑक्सीजन को यूज़ करके भी वो ग्रो हो सकते हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी वो ग्रो हो सकते हैं। FBP अगार का मतलब होता है फेरस सल्फेट, सोडियम बेटा सल्फाइड एंड सोडियम पायरुवेट।
हेमोलाइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल का ब्रेक होना। आईएमविक टेस्ट का मतलब होता है इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड एंड वेगो प्रोस्कोर एंड टेस्ट एंड सिट्रेट टेस्ट। माइक्रोएरोफिलिक का मतलब होता है रिक्वायर्स लिमिटेड लेवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको लिमिटेड लेवल में ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको माइक्रो एरोफिलिक बोलते हैं। MUG दैट इज फ्लोरोजन 4-मिथाइल दैट इज ब्लू फ्लोराइड बीटा डी ग्लूक्रोनाइट, ये इसकी फुल फॉर्म है। NaCl सोडियम क्लोराइड, OPSP अगार, ये जो आपका क्या है अगार की, दैट इज ओलिनोडोमाइसिन पॉलीमाइसिन सल्फोडाइज एंड पेरिफिनजिंस, ठीक है ये इसकी क्या है फुल फॉर्म। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें PMPA अगार, सो ये आपकी पोलोमैक्सिन पायरुवेट एगियोक मैनिटॉल इन सब की फुल फॉर्म हो गई। PM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। वन पार्टिकल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस फॉर एवरी 99999 अदर पार्टिकल्स, यानी एक पार्ट्स PPM के मुझसे फुल फॉर्म पूछ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। TCBS अगार, थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट एंड सुक्रोज। TMAO दैट इज सेलेनाइट सिस्टाइन ग्रोथ एंड दैट इज कंटेनिंग लुटोल। TAC के अगर मतलब होता है ट्रिप्स दैट इज ट्रिप्टोसोल सल्फाइड एंड साइक्लोस्ट्राइन, ये सारे आपके क्या थे दैट इज ऑल योर ग्लोस्ट्री, ठीक है। ताकि कोई भी ऐसी टर्म है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई है तो इसके थ्रू आप क्या कर सकें उसे ध्यान दे सकें अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन कनेक्ट विद अस, दैट इज़ डाउनलोड अवर ऐप दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड GK। ओके सो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप जो भी हमारा तमिलनाडु का दैट इज़ योर आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट कोर्स है आप उसको परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो उसमें अपने आप को, जहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं एंड ये कोर्स आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। सो आप जाओ हमारे को जो हमारा ऐप है उसे इंस्टॉल करो और इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।